शुरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। कोरोना पॉजिटिव माँ बेटे ने घर से निकाला और बेटी और दामाद ने भी सड़क पर छोड़ दिया, हो गई मौत। चलिए जानते हैं क्या है ये शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला जो कि दिल दहला देगा आपका। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लगातार आप लोगों को बस एक ही चीज बोली जा रही है कि ये संकट है, बहुत भारी संकट है, पर आप लोगों को डट के सामना करना है, आप लोगों को लोगों की मदद करनी है। इसी दौरान ही लोगों को ये सब चीजें सिखाई बताई तो जा रही है, पर रिश्तों के बारे में अगर जाने तो काफी ज्यादा हैरानी होती है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला जो है वो रोड के किनारे कंबल में पाई गई, और उस दौरान ही उसके बारे में जब जांच की गई तब ये चीज पता चला कि एक्चुअली में ये महिला जो है वो कोरोना पॉजिटिव थी। उसके बेटे ने एक्चुअली में अपनी बहन के घर पे इस माँ को छोड़ दिया, और उसकी बहन को भी जब पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव है माँ, तब वहां पर उसकी बेटी ने और दामाद ने उनको घर के अंदर ही नहीं आने दिया, और वो जो माँ थी वो सड़क के किनारे कंबल लेके सोई रही। इस दौरान ही वहां के DCP अनूप सिंह को जब इसके बारे में पता चला तब ये वीडियो जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रही थी। उन्होंने जांच लगाई कि आखिरकार ये वीडियो कहाँ की है और पता लगाया कि ये महिला कहाँ पर लेटी हुई है। उस दौरान ही वो महिला के पास पहुंचे, महिला को लेके गए, ट्रीटमेंट करवाया और वहां पर पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि ये उस महिला को बचा नहीं पाए। अगर महिला को सही समय रहते हुए अगर उसको ट्रीटमेंट मिल जाता तो ये महिला मौत के घाट नहीं चढ़ती। यहां पर अभी DCP अनूप सिंह ने ये चीज बताया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी बेटी और दामाद और उसके बेटे के ऊपर। आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी काफी ज्यादा अपडेटेड लगी होगी। अगर आप लोगों से हो पाए किसी की मदद करना तो इस वक्त मदद जरूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त लोग ही लोगों के साथ खड़े रह सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।